आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। मुरादाबाद के सीएमओ कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान मिजलिस एवं रूबेला कंजिनेटर्स रूबेला सिंड्रोम बीमारियों को वर्ष 2020 तक एनिमिनेट कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने मिजलिस रूबेला वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में चरणबद्ध रूप से शामिल करना तय किया है। साथ ही लक्ष्य की प्राप्ति है तो प्रारंभ में 9 माह से 15 वर्ष तक के समस्त बच्चों को मिजलिस रूबेला टीकाकरण अभियान चलाकर आच्छादित किया जाना है। इसके बाद इसे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में खसरा रूबेला टीका के रूप में शामिल किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। साथ ही चाहे पहले उसको खसरा रूबेला के टीके लगाए गए। खसरा रूबेला के अधिकतर मामले 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों में पाए जाते हैं, इसलिए अभियान के दौरान इस वर्ग को लक्ष्य बनाया गया है। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में 11,000 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान हेतु जनपद में 3,250 प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल, 430 इंटरमीडिएट स्कूल, 980 मदरसों को चिन्हित किया गया है। Watching India and many other partners, including the Indian Pediatric Association, the Indian Medical Association, Lions Club, Rotary International, and Red Cross. ये कह रही है कि इनका नाम जेनिफर क्रिस है और वो US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल से आई हैं। वो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू काम कर रही हैं और इतना बड़ा जो कैंपेन होने जा रहा है मीजल्स और रूबेला का, उसमें ये इंश्योर करना चाह रही हैं कि सारे बच्चों को 100% सारे बच्चों को कवरेज हो जाए इंडिया में। और जो दूसरे पार्टनर्स हैं, इंडियन पेडिक एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लॉयंस और रोटरी इंटरनेशनल, उनके साथ भी काम करने का इनको मौका मिलेगा। खसरा रूबेला अभियान, ये हमारे यहाँ 9 महीने से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों को इसमें टीकाकरण किया जा रहा है और इसमें ये जो बीमारी है इससे बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। किस तरीके से अभियान की शुरुआत की जाएगी? ये 26 तारीख को हमारा अभियान शुरू होगा, जिसमें सभी ब्लॉक्स में और सभी अर्बन एरियाज में किसी न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा इसका इनॉग्रेशन कराया जाएगा। स्कूल्स में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसके लिए बकायदा माइक्रो प्लान बन चुका है और अभी भी हम लोग, अभी दो दिन तीन दिन बचे हैं, अभी भी हम दो दिन पूरी समीक्षा करेंगे जिससे कि प्रोग्राम अच्छे से सफल हो। जनता से क्या अपील करेंगे सहयोग के लिए? जनता से हम यही सहयोग की अपील करते हैं कि मेनली स्कूल्स में अभी इनिशियली हो रहा है तो हमारी पेरेंट्स के साथ मीटिंग हो गई है, प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग हो गई है, हमारे साथ 4 बड़ी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो हम सभी जनता से यही अपील करेंगे क्योंकि हम लोग का मीजल्स और रूबेला ये बीमारी अच्छी नहीं है, तो इसके बचाव के लिए सभी हम लोग, जैसे हम लोग पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, तो सभी 100% सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित हो सके। तो जनता से यही अपील है सभी से कि इसमें पूरा सहयोग करें। टीके से क्या क्या फ़ायदा होने वाला बच्चों को? टीके से बीमारियों से बचाव के लिए ही है, इसी का फायदा। अच्छा, बाहर की विदेशी टीम भी आई है आपके यहाँ? हाँ, विदेशी टीम की आई हुई है, जिसकी ये प्रतिनिधि हमारे यहाँ बैठी हुई है, आपके सामने ही बैठी हुई है। क्या नाम है इनका? नाम जेनिफर। और ये हमारे यहाँ जगह जगह जा कर के मॉनिटरिंग करेंगी कि संबंधित बच्चों को ठीक से टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैक्सीन ठीक से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग इनके द्वारा करी जाएगी।